तो मैं नींद में ही कर देता हूँ। ये आधा चक्रासन है, ये देखो लटक लटक गए, बहुत ऊंचा है मम्मी, ये देख लेना। अंधेरे के बाद उजाला होता है। क्या बात है, क्या नई बात बताई है। हर उजाले के बाद अंधेरा होता है, इसलिए बारिश होती है। क्या बात है, क्या बात है। आधी आ गई, आधी आ गई। उधर जा उधर। अरे ये दरवाजा ही बंद करना पड़ेगा, उधर जा तू, शीशे वाला टकराएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और नए दिन की शुरुआत हो गई है, आज है थर्सडे और मैं निकल पड़ा हूँ। लेकिन सुबह सुबह भाई साहब इतनी धूप हो रही है, आज 6:30 बजे निकला मैं और धूप इतनी ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और अभी फ़िलहाल जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो एक सर्कल में पड़ जाते हैं जितने भी स्कूल से नियर बाई के, सारे एक सर्कल में पड़ते हैं, तो देखता हूँ एक राउंड में कौन कौन से स्कूल कवर होते हैं, तो वो स्कूल दिखाता हूँ कौन कौन से नियर बाई जितने भी स्कूल हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे आईटी सेक्टर में जिनकी ड्रीम कंपनी होगी एडोबे, जो लोग चाहते होंगे कि वो एडोबे में काम करें। ये देखिए बगल में भैया एडोबे है। तो जितने भी जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं सब नियर बाई हैं हमारी सोसाइटी के। देखिए ये स्कूल है सोमरविले इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, इसकी भी काफ़ी मेरे हिसाब से और इसके बेंचेस और ब्रांचेस इसकी काफ़ी सारी हैं, तो एक इधर है ये। बाकी और दिखाता हूँ कौन कौन से स्कूल्स हैं यहाँ नियर बाई। और देखिए उससे थोड़ा सा आगे को आया मैं, लगभग कितना 100-150 मीटर यहाँ पर स्कूल स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा स्कूल है स्टेप बाय स्टेप, और ये भी डिस्टेंस इसकी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सारी डिस्टेंस जो है मैं सब साइकिल से कवर कर रहा हूँ ही। और जैसे ही देखिए थोड़ा उससे 4 कदम आगे निकला तो इधर को देखिए आप, JVM ग्लोबल स्कूल, ठीक है, स्कूल ही स्कूल है भैया। इधर एक स्कूल ही रहा बगल में इधर। अब ये देखिए द पोंटी चड्डा फाउंडेशन, माता भगवती क्या है, चड्डा नहीं कहता। तो ये जो पोंटी चड्डा जी का भैया, ये मेरे हिसाब से उसकी होगी जेनेसिस की बाउंड्री होगी शायद, पीछे को इधर को होगा जेनेसिस स्कूल, आगे चल के देखते हैं अभी। और ये देखिए सामने जो स्कूल है ये है द हेरिटेज, और इधर ये है DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल में है हेरिटेज। ये देखो लटक लटक गए, बहुत ऊँचा है मम्मी, ये देख लेना। हाँ नीचे मतलब बहुत नीचे है, नीचे दिखा भी नहीं रहा मैं कितना नीचे है मैं, मतलब तब से पता है कितने 10-15 किलोमीटर घूम के आ गया हूँ, योगा भी कर लिया मैंने। और पापा जी अभी मतलब ऐसे ही, ये कौन सा है, तो योगा चल रहा है पापा जी का सुबह 6:30 बजे से, उस टाइम पे दिखाया था लटक रहे थे तब दौड़ गया होंगे, उस टाइम पे सोसाइटी के चक्कर मारे होंगे उन्होंने, आधा चक्कर मारा होगा। और अभी जो है अभी योगा कर रहे हैं, अभी अब मैं घर जाके नहा लूँगा फिर आएंगे, डांट खाने के लिए आते हैं घर, डांट खाएंगे अब घर आके। तो ये देखिए हो रहा है यहाँ पे हलासन, अभी 1.5 घंटा चलेगा ये आसन। तैयारी हो रही है चक्रासन की, इसमें चक्र की तरह घूमते हैं। चक्र की तरह नहीं घूमते, ये होता है। अच्छा ये वाला, ये तो मैं नींद में ही कर देता हूँ। ये देखिए चक्रासन,
ये आधा चक्रासन है। पूरे में क्या हुआ, हाथ पैर मिला देने वो पूरे। अच्छा अब मैं तो आ गया हूँ साइकिल चला के, पापा का भी वही चल रहा उधर, चक्रासन अर्ध चक्रासन। मैं जब गया ना तब नहीं था वहाँ पे, वो मैं पहले देखने गया उधर ये ग्राउंड में, वो तो बाहर होंगे ना, तो बाहर चक्का लगा रहे थे। अरे वो आधा घंटा दोस्त ढूंढते होंगे अपने, तो उसे नारायण भैया था साथ में उनके। जिस समय मैं दूसरे राउंड में वो वहाँ पर जा रही थी उधर। और भी फैंटम ना लिया, रोटी बनाऊंगी पहले से, कौन ना रहा है। और सब्जी सब्जी क्या बनाई है, अरबी अरबी का मटन, अरबी का मटन या मटन की अरबी, अरबी का सूखा मटन। भाई साहब मतलब ऐसे ऐसे अगर शेफ होने लगे ना जो इस टाइप की चीज़ें बना दें अगर, तो मार्केट में मतलब ये जो है क्या कहते हैं मांस जो है बिल्कुल बंद जाएगा। क्यों, कल दिखाई वो जिंदी मच्छी, जिंदी मच्छी नगली वाले काम पीछे, वो इतनी बड़ी मूंछें होती हैं उनमें। मछली में मूछें कौन सी होती है, मूछें नहीं होती मछली में, मूछ थोड़ी होती हो, जो वो होती होगी उनकी सींग, मछली में सींग होती है कांटे मतलब। आगे वो निकले रहते हैं जो जैसे चूहे की होती हैं। क्या पी रही है, गुड। टिंग 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 टिंग। अरे बंदा अरबी, अरबी के मटन, मटन की अरबी। ये हमारा फर्जी साहब, इसको ना हल्का सा नीचे जला देना। मैं जा रही नहाने के लिए। तो तू जा नहाने और भूल जा इसको, चल जाएगा अपना अपने आप चल जाएगा। कितना रिस्क हुआ वैसे पुताई करना भी है, टावर में पुताई हो रही है यहाँ पे, और ये बंदा देखो रोप से जा रहा नीचे को, काफ़ी रिस्की काम है यार ये भी। आज हमारे घर के सबसे बड़े खिलाड़ी घायल हैं। आज जब योगा करके आए ना, सीधे आए और सीधे नहाने चले गए। मैं कह रही योगा करते नहीं उड़ता ना आपके दर्द, मूड खराब है नहीं तो किचन में तब हो रहा था दर्द, घूमते हैं तब तो तब कहाँ हो रहा था उस टाइम, शांत थे आज। आज हो रहा बाबा जी के दांत में दर्द, सुबह नाश्ता भी नहीं किया बाबा जी ने, और अभी दिन में भी अब सिवैया बनी है, ताकि जो है जैसे दलिया वलिया बना रहे थे पहले, दांत वांत में अटकेगा तो दिक्कत आएगी। अरे आधी आ गई, आधी आ गई। अरे ये दरवाजा भी बंद करना पड़ेगा, उधर जा शीशे वाला टकराएगा। चलो भैया तार से कपड़े निकालें जरा। अचानक से मौसम जो है इतना खतरनाक हो गया है, मतलब अभी तक ऐसी धूप आ रही थी बड़ी गजब, और अभी देखो ये देखो हमारा झंडा कितना तगड़ा हिल रहा है ये, और उधर देखो पूरी धूल ही धूल हो गई है, ऊपर काले बादल। अरे बारिश आ गई, लक 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 लक। ये देखो बड़ी तेज बारिश आते हैं यहाँ पे, दिख रही है, दिख रही कैमरे में दिख रही है, अभी इतनी तेज धूप थी यार। ये देखो क्या बोल रही, हर अंधेरे के बाद उजाला होता। क्या बात है, क्या नई बात बताई है, हर उजाले के बाद अंधेरा होता है, इसलिए बारिश होती। क्या बात है, क्या बात है, इतना टैलेंट गजब। ये देखो बारिश से बचने की निंजा टेक्निक है, ये देख सर पे कट्टा लेके आ रहा है भाई, ये देखो सर पे कट्टा लेते हुए ले जाते हुए। अरे भाई साहब बड़ी तेज हवा भी चल गई यार, चल लो। ये देखो बारिश की बूंदें झूम करके दिखाऊंगा, ये गजब। ये भैया आ गए इधर पहुंच, अरे भैया क्या बात है, अरे अब तो मार रहे हैं। बड़ी खतरनाक बारिश हो गई यार, ये तो हवा के साथ बारिश आते हुए पूरा अंदर बालकनी में भी आ गई इधर, ये देखो अंदर आ रही है पूरी, और नीचे हवा भी चल रही है मस्त मस्त, क्या बहुत तेज चल रही है यार।
ये